बरस बरस फिर रुक रहा है, आज गगन भी झुक रहा है, आज गगन भी झुक रहा है। त्रिवेणी की धरा से पधारी हमारे बीच आदरणीय मनोरमा दीदी जी, आप धार्मिक प्रभाग की चेयरपर्सन और विद्या दीदी जी के साथ कितने ही वर्ष आपने संपूर्ण अलौकिक जीवन गुजारा है, सभी के मनों में बहुत तरंगे उठ रही हैं आपसे दीदी जी। हम सभी चार पांच मिनट में आपके दिल के बात सुनना चाहते हैं आदरणीय दीदी जी। ये दिन भी ड्रामा में नहीं हूं, किसी को संकल्पना नहीं थी कि ऐसे आदरणीय विद्या दीदी हम सबके बीच से इस तरह चली जाएंगे। आपने भी सबके द्वारा सुना, विद्या दीदी के साथ ही हमने ज्ञान का बीज भले ही बहुत पहले से पड़ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद कानपुर की इस धरनी में आध्यात्मिक सेवा का सफ़र उनकी निगहवाणी में शुरू किया था। उनके अंदर प्रेम, करुणा और समर्पण मेहता विशेष थी। जो बात सब कह रहे हैं, अगर मैं उसे एक पंक्ति में कहूं, और उन्होंने उस समर्पण मेहता को न केवल बाबा तक रखा, मम्मा तक रखा, बड़े बड़े महारथियों का, खास तौर से दादी निर्मल शांता जी का गुजरना होता था, पर दादी का कलकत्ते से आबू जाती थी, आए दिन फोन आते थे और हमने देखा कि विद्या दीदी 4 बजे, वो चाहे 30 का ग्रुप हो, 40 का ग्रुप हो, कैसे भोजन बना के उनको ट्रेन तक पहुंचा देती। तो उनकी कर्मठता, उनकी प्रेरणा, उनका विधि विधान और हर समस्या का समाधान, सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर उनके पास आ जाओ कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, तो इतनी जल्दी समाधान बताती थी जैसे वो रखा ही हुआ हो उनके पास। और उन्होंने उस चीज़ को, मैंने कहा ना, बाबा तक, मम्मा तक, दादियों तक सीमित नहीं रखा। आदरणीय गंगे दादी के जाने के बाद उसे साकार किया यज्ञ के अंदर। केवल ब्राह्मण परिवार हमारा उन्हें मानता और जानता है, इतना ही नहीं, पूरे यूपी की धरनी ने यूपी रत्न का अवार्ड देके उन्हें एक समय सम्मानित किया था। दीदी का सम्मान हुआ था यहाँ, और ये उनकी विशेषताओं का हर बंदा कायल है, ऐसा नहीं है। तो उनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है। उंगली पकड़ के चलना सिखाकर शिखर तक पहुंचते हुए देखना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। बाबा जो कहता है चांस दो और चांसलर बनो, ऐसी वो इसी यूनिवर्सिटी की चांसलर थी। और दीदी ने अपने जीवन को अंत तक एक एक पल को मूल्य दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करूं। निसंदेह ऐसा रहनुमा ना हुआ ना होगा। इस ब्रह्मावर्त की धरनी को जिस तरह दादी ने सजाया था, उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से उन्होंने इसका श्रृंगार किया और इसे परवान चढ़ाया। दादी के समय में मुझे नहीं याद आता है कि कोई ऐसा ट्रक गया होगा, लेकिन वास्तव में वो ट्रक तो एक बहाना था। उस ट्रक के माध्यम से उन्होंने हर गरीब, हर अमीर, हर इंसान को यज्ञ में अपनी उंगली लगाने का एक अवसर दिया।
हर एक को प्रेरणा दी, हर एक को सहयोग करना सिखाया और ये उनकी यज्ञ के प्रति, ब्रह्मा वत्सों के प्रति हम स्नेह कहें, समर्पण मेहता कहें, जो उन्होंने दिखाई और आज सारे यज्ञ में रोशन हुई। इतना ही नहीं, बैठ करके समय दे करके यज्ञ संभालने में भी मदद की उन्होंने, जैसा अभी आप सुन रहे थे। तो यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी सेवाओं, अपनी कलाओं, अपने गुणों को सामने लाया और अपने जीवन को मूल्य दिया। मेरी हृदय के हर धड़कन और हर कोने से उनके प्रति श्रद्धांजलि भावनाएं अर्पित हैं। ओम शांति। अभी हम अनुरोध करते हैं आदरणीय सरोज दीदी जी से, आप कासगंज से पधारे हैं, आप भी दीदी के प्रति अपनी भावनाएं अर्पण करना चाहते हैं, समय जरूर कम है, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हम सबकी अति मीठी, अति स्नेही, त्याग और तपस्या की धनी परमादरणीय, जिन्होंने मेरे को बचपन में बहुत सहयोग दिया। जब मैं साकार बाबा के अभ्यक्त होने के बाद तिलक नगर सेंटर पर आई, सरला दादी के पास, तो अक्सर करके सरला दादी सिविल लाइन मेरे को ले आया करती थी और हर तरह से मन वचन कर्म से कैसे बाबा के यज्ञ में अपना तन मन लगाना है और कैसे सेवाएं करनी है वो मैं उनसे सीखती रहती थी। बहुत ही कुशलता उनके जीवन में थी और हरेक के प्रति बहुत स्नेह था। उन्होंने कभी भी ये छोटा है और ये बड़ा है ये भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, दीदी से 10 वर्ष छोटी थी और जब मैं आई तो कोई भी प्रकार की कोई भी तकलीफ शारीरिक भी होती थी तो उसमें भी वो सहयोग देती थी। मैं उस दिन सुना रही थी कि एक बार मैं आई और शुरू शुरू में मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो गंगे दादी ने कहा, विद्या देखो इसको क्या हुआ है, ये पड़ी हुई है, इसको देखो। विद्या दीदी स्वयं उठ करके आई, बड़े प्यार से तेल लगाया, मालिश की और कहा, देखो तुम्हारा दर्द दूर हुआ। और सचमुच में 2-3 4 मिनट उन्होंने मेरे सिर की इतनी अच्छी तरह से मालिश की कि मुझे वो आज तक याद है। और मैं अपनी छोटी बहनों को भी सबको बताती हूँ और कहती हूँ कि देखो ये तेल लगाना भी विद्या दीदी ने मुझे सिखाया था। और कभी भी छोटे और बड़े का भेदभाव दीदी ने नहीं रखा। मैं भोजन बनाने की उनके अंदर जो कला थी वो भी बड़ी ही सहज और सरल रीति से वैरायटी प्रकार का भोजन बनाकर और सबको इतना खुश कर देती थी कि वो भरपूर होकर के जाता था, जो भी आता था खातरी किए बिगड़ तो कभी भेजती नहीं थी। कई बार मधुबन से भी, जब मैं मधुबन में रहने लगी और मधुबन से मैं घर आती थी तो बड़ी दादी हमको दादी के पास ही भेजती थी और विद्या दीदी से ही हमारा कनेक्शन रहता था, तो आना जाना, भोजन देना बना के और प्यार से टोली बना करके सौगात दे करके भेजती थी। तो उनके अंदर क्या क्या कलाएं नहीं थी वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं कहूँ
अवस्था में वो बहुत ही परिपूर्ण थी, संपन्न थी, और हमने जो उनके साथ रह करके सीखा तो वही सीखा कि हमें भी अपने साथ में बहनें जो रहती हैं उनको भी और भाई बहनों को भी उसी प्रकार की पालना देकर, प्यार देकर उन्हें भी आगे बढ़ाना है और उनके प्रति भी वही भाव स्नेह का रखना है जो दीदी के अंदर था। तो मैं आज ऐसी दीदी के प्रति यही श्रद्धांजलि देती हूँ, भावांजलि अर्पित करती हूँ कि हर परिस्थिति में सहन करते हुए दीदी ने अपने आप को आगे बढ़ाया, ऐसे ही हम सब भी उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। आज सबका मन भर रहा है लखनऊ से। आदरणीय राधा दीदी जी भी हमारे बीच पधारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगी आप भी हमें 2 मिनट में अपने दिल के मुरली में कहा, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज से डायरेक्ट जुड़ने का जो सौभाग्य कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को प्राप्त होता है, उनमें से ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली उस अनादि पिता आदि पिता यज्ञ माता के हाथों से पली एक ऐसा महान रतन कोहिनूर ही कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का, आज हम सब के बीच में से विदाई लेकर बेहद की सेवाओं के लिए अग्रसर हो चुकी, तो एक ऐसी अनंत यात्रा में चल पड़ी अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। जैसे नाम विद्या दीदी था, सचमुच में वो सर्व गुणों की विद्या उनके पास, किसी भी चीज के बारे में खास में सेवा के क्षेत्र में बताना चाहूँगी। जब एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा में हम दीदी से संपर्क किया, सारा प्रोटोकॉल हमें नहीं पता था, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, हमने कहा कि दीदी हमें पता नहीं, सेक्रेटरी माना हम एक ही समझते थे। एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट का जो प्रोटोकॉल होता है, जुडिशियल में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, उसका क्या सेटिंग, हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं दीदी के साथ रह करके जो अनुभव किया, हर प्रकार की विद्या जैसे दीदी के पास, और किचन के बारे में कोई भी बात उनसे पूछ लीजिएगा, और परफेक्शन, सबसे बड़ी विशेषता जो चीज़ वो नहीं खाती थी, खट्टी चीज़, जब वो चीज़ बनाती थी उसमें परफेक्शन था, बिना चख के देखकर जो नहीं खाने वाली चीज़ में परफेक्शन, और अगले वाले व्यक्ति को उसी चीज़ से संतुष्ट करना, ये साधारण बात नहीं। सचमुच में दीदी जी ऋषि के मुवाफिक 2 बजे उठती थी दीदी जी का, हमने दिनचर्या सुना था, 2 बजे उठ करके, दिन में नहीं सोती थी तो मैं बैठ करके मैं पूछती थी, दीदी आपकी दिनचर्या क्या है, मैं सवेरे 2 बजे उठती हूँ। लास्ट तक भी बहुत कम समय दीदी ने किसी से सेवाएं ली होगी, अपने हाथों से अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, किसी से भी सेवा नहीं लेना, और हड्डी हड्डी को यज्ञ सेवा में, ऐसे तो यज्ञ में बहुत से दीदियों को हमने देखा है, लेकिन यज्ञ के प्रति इतनी भावना, जब यज्ञ का इतिहास सुनाने के लिए बैठ जाए, आपको लगता था आंखों देखा हाल। हम भी उस यज्ञ के कहानी के साथ साथ सिर्फ सुनते नहीं थे, उस कहानी को देखने का अनुभव करते थे। तो मम्मा बाबा के प्रति जो प्यार था दीदी का, और यज्ञ के प्रति जो समर्पण भावना, और यज्ञ में जो स्वाहा कराने की कला, ये साधारण बात नहीं। हम तो यही देख रहे थे, दीदी जी ने इतनी आत्माओं का भाग्य बनाकर
मैं देख भी रही हूँ बहुत सी बहनें बैठी हैं जो गंगा के तट पर बैठकर चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर चैतन्य ज्ञान गंगाओं को उन्होंने तैयार किया। आज भी वो ज्ञान का संदेश देकर बहने का काम कर रही है। तो दीदी जी ने जो यादगार हम सबके बीच में छोड़ा, उनके गुण, उनकी विशेषताएं, उनके कलाएं, उनकी योग्यताएं आज भी हम सबके बीच में जीवित है। बल उनका साकार स्वरूप, साकार तन हमारे बीच में नहीं होगा, उनकी दिव्य शिक्षाएं, देव पालना, प्यार, स्नेह हर एक आत्मा में आज झलक रहा है। दिल से जब भी मैं किसी बात के लिए दीदी से बात करती थी, कहा ना, हर चीज का समाधान स्वरूप, कोई दवाई भी उनसे पूछ लो, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई, कोई एंटीबायोटिक पूछ लो, किसी भी चीज की ये तुरंत ऐसे नुस्खे बता देती थी, ये वाला खाएंगे, ये वाला खाएंगे तो नुकसान होगा, ये खाएंगे तो इसके लिए ये काट है, ऐसे ऐसे जैसे कि विद्या की देवी सचमुच में दीदी थी। खास जो हमें अच्छा लगता था उनके मुखारविंद से यज्ञ के इतिहास को, मम्मा बाबा की जो जीवन चरित्र को सुनने का, किसी भी दादी के बारे में अगर पूछा जाए, वो इतना सुंदर दादी के कहानी को सुनाती थी। आज भी स्मृति में जब पिछली बार जब मैं मृत्यु का समाचार सुन करके आ रही थी, लखनऊ से लेकर मैं कानपुर तक भी उनका ही चरित्र दीदी के मुखारविंद से उनके अनुभवों को सुनते हुए आ रही थी। लग नहीं रहा कि दीदी हमारे बीच में नहीं। जब भी आज तक हम आए हैं, उनके निमंत्रण पर आए थे, पहली बार ऐसा हुआ जो साकार में हम नहीं हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए दिल से दीदी के साथ हम हैं। दीदी की जो सेवाएं हैं हम जरूर सहयोगी बनेंगे। दिल से मैं दीदी को आप लखनऊ के भाई बहनों की तरफ से भी श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय परिणीता दीदी जी नेपाल से हमारे बीच आज अपने भावों की अंजलि कुछ क्षण हमारे बीच लेकर आई हैं। आदरणीय परिणीता दीदी जी। ओम शांति। उत्तर प्रदेश की शान, साकार बाबा और मम्मा दादियों की हस्त पालना में पली हुई ब्राह्मण परिवार की अनन्य रतन आदरणीय विद्या दीदी जी को अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं विद्या दीदी को हमारी उत्तर प्रदेश बनारस आदरणीय सुरेंद्र दीदी की तरफ से, अपनी तरफ से और संपूर्ण बनारस तथा नेपाल के सभी समर्पित भाइयों और बहनों की तरफ से, बनारस और नेपाल के सभी ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार की तरफ से, और साथ में हमारे दीपेंद्र भाई जो अभी तबीयत के कारण नहीं आ सके, उनकी तरफ से मैं हृदय की अनंत गहराइयों से हमारी विद्या दीदी को अर्पित करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि जीवन मिलना ये नसीब की बात है और मृत्यु अर्थात इस देह को त्यागना समय की बात है, परंतु देह त्यागने के बाद भी जो सबके हृदय को, सबके दिलों में जो अपना स्थान बना लेता है, वो अपने श्रेष्ठ सत्कर्मों की बात है। वैसे संसार में इस भूमि पर जो भी आए हैं उसको जाना ही है, और जाने के क्रम में कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपना नाम अमर करके जाते हैं, उन्हीं में से एक है हमारी आदरणीय विद्या दीदी जी। वैसे तो बहुत सालों से मैं उनको जानती हूँ, देखती हूँ, भले मैं नेपाल में रहती हूँ, लेकिन कार्यक्रम में
मधुबन में उनसे मिलना होता, कानपुर के कार्यक्रम में भी उनसे मिलना होता। मैं इतना ही कहूँगी कि उनका बाबा से बहुत प्यार और यज्ञ के प्रति इतनी भावनाएं, चाहे धन की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, सबसे पहले वो आगे बढ़ती, हम सभी को यज्ञ के लिए करना है। और मैंने देखा बहुत निडर, निर्भय, हर बात में बिल्कुल स्पष्ट, जो भी बात हो वो बोल देती थी सामने। तो ऐसा मैंने अपने दिल से महसूस किया। और वैसे आज से 6-7 महीने पहले, महीने की बात है, जब मैं मधुबन में गई थी शांतिवन में, तो उस समय हमारे अशोक भैया और विद्या दीदी भी पहुँचे हुए थे। तो मुनि दीदी के सामने कॉटेज में मैं खड़ी थी, दूर से खड़ी थी। तो अशोक भैया ने कहा, दूर क्यों खड़ी हो, इधर आओ। तो मैंने हंसते हुए कहा कि कोरोना काल है, इसलिए दूर ही खड़े होना चाहिए। तो अशोक भैया ने मेरा हाथ पकड़ करके विद्या दीदी के सामने गार्ड में खड़ा कर दिया। तो विद्या दीदी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे दृष्टि दी और पूछा, कैसी हो परनीता बहन? मैंने कहा, ठीक हूँ दीदी। बस शायद वो मेरा आखिरी मुलाकात था। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी वो हम सभी को छोड़ करके, हम सभी के बीच विदा होकर के चली जाएंगी। जब मैंने खबर सुना नेपाल में, मैं आना चाहती थी यहाँ पर, अंतिम संस्कार में लिखा है, किसी कारणवश आ नहीं पाई, लेकिन आज यहाँ पहुँची हूँ। और एक और स्मरण मुझे आता है, जो एक बहुत हमारे विशेष वीआईपी भाई है, जो आज तक भी उस विद्या दीदी को बहुत याद करते हैं। क्योंकि एक बार हमारे सैलिस भाई उस वीआईपी को मधुबन में ले जाने के लिए गए थे, तो कानपुर में एक रात, मुझे याद है कि एक रात ठहरे हुए थे। उस समय विद्या दीदी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो जब वो शैलेश भाई ने उस भाई को मतलब ले गए, तो विद्या दीदी उस समय अपने बिस्तरे पर लेटी हुई थी, तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा, ले आओ कमरे में। तो शैलेश भाई उनको कमरे में ले गए। विद्या दीदी लेटे लेटे उनको दृष्टि दी और उनको सौगात दिया, उनको अपने हाथों से वरदान दिया और कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सुनाई, जबकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो उस वीआईपी को, उस मतलब बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इतना प्रभावित हुआ कि आज तक ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं कि इतनी बीमार हो और अपने कमरे में बुला करके इतनी अच्छे से बात करे, टोली दे, ज्ञान की बातें सुनाए। आज तक भी वो विद्या दीदी को याद करते रहते। तो ऐसी आत्माएं जो सबके दिलों को जीत लेती है, तो हम सभी ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार के बीच आज वो नहीं है साकारी रूप में, लेकिन सूक्ष्म रूप में आज भी हम सभी के बीच में है। हम सभी को महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आज भी इस सभा में वो सूक्ष्म रूप में हम सभी को देख रही हैं और हमारी भावनाएं, हमारी वाइब्रेशन, मुझे लगता है उन तक भी पहुंच रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं। तो मैं पुनः अपने दिल से सभी की तरफ से, हमारे बनारस, हमारे नेपाल के सभी भाई बहनों की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी। ओम शांति। नेपाल से ही हमारे बीच आदरणीय कमला दीदी भी पहुँची हैं। परनीता दीदी ने कितनी अच्छी बात सुनाई, अभी हम सुनते हैं आदरणीय कमला दीदी जी से। ओम शांति। त्याग, तपस्या, सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति आदरणीय विद्या दीदी जी, जो हमारे यूपी जोन की एक मलिका थी, एक प्रेरणा की स्रोत थी, जो सच्ची में हमने भी देखा, ऐसे तो हम लोग स्थूल रूप में पार रहते हैं, लेकिन दिल से उनके करीब थे। जब भी मधुबन में मिलते थे, जो उनका मीटिंग होता था, अपने बाप दादा से मिलन का, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता था, तो जैसे आदरणीय विद्या दीदी जी को हम देखते थे, बहुत स्ट्रांग,
स्पष्ट वक्ता और विल पावर की धनी और यज्ञ के प्रति बहुत प्यार स्नेह। जैसे अभी सभी दीदियों ने कहा कि कैसे वो सबसे सेवा कराना, वो हम कुछ पलों में भी उनमें वो विशेषता दिखाई देते थे। हम सभी बहनों को भी, भाई बहनों को भी जब भी संगठन में मिलते थे हमेशा वो प्रेरणा देती थी, तन से मन से धन से कैसे सेवा करना है। हमेशा वह समाधान स्वरूप बन के सबको समाधान कैसे करना है कुछ पलों में भी वो बताती थी। तो उनका व्यक्तित्व, तो उनका पर्सनैलिटी मैंने देखा, जैसे अभी राधा बहन जी ने बोला ना, हर चीज की विद्या अनुभवी मूर्त थी प्रैक्टिकल में, इसीलिए हर बातों में कॉन्फिडेंस था दीदी को, बोल्ड थी। बहुत अच्छा लगता था जब हम उनकी बातें सुनते थे, कभी सुनने को मौका संगठन में या कभी ऐसे बैठने का मौका मिलता था अपने जोन में, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे विशेष आत्मा, विशेष महान आत्मा जो साकार बाबा, मम्मा और दादियों की परवरिश में पली हुई ऐसे विशेष आत्माएं, यहाँ की बहनों को तो अंग संग रहने को संग रहने का ये सौभाग्य मिला, पर हम लोग स्थूल में थोड़ा दूर थे, फिर भी जब कभी भी मिले तो उनसे हमें प्रेरणा ही मिली। ऐसी विशेष आत्मा हम जब हमने सुना, हम अपनी सेंटर से 80 किलोमीटर की दूरी में थे उस समय, सेवा में हुई थी, तो जब हमने ये सुना फिर हम सेंटर में वापस नहीं हुए, और वहीं से 5 बहनें एक भाई गाड़ी रिजर्व करके नाइट में यहाँ अंत्येष्टि में पहुँचे थे। अंत्येष्टि पूरा करके फिर उसी गाड़ी से वापस हो गए। अभी हम और पंडिता दीदी दोनों दिल्ली में थे, आगरा थे, फिर आगरा से आज ये विशेष दिन में हम अपना श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्नेह दीदी बहुत सरल और सादगी एकदम त्याग मुहूर्त, बस करना है सेवा करना है। दतिची ऋषि मिसल उसकी हर बातों से ये, हर भावनाओं से ये पता चलता था, ऐसी महान विभूति, ऐसी महान आत्मा के प्रति अपना भाव, श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि अर्पित करने हम यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे कहते हैं जन्म ज से ज होता है, जन्म होता है म से मरण होता है। जन्म माना जन्म मरण फिक्स होता है, जन्म कब लेना है मरना कब होता है वो फिक्स होता है, जन्म इसी को जिंदगी कहते हैं। तो हमें मालूम है यहाँ शरीर छोड़ना माना कहीं जाके जन्म लेना है। तो इतनी बड़ी हस्ती, इतनी महान हस्ती है ना जो है, तो कहीं ना कहीं बाबा को ज़रूरत है बेहद सेवा के लिए। तो आज हम सब के बीच में नहीं है, फिर भी वो सूक्ष्म रूप में है, और बाबा की सेवा बढ़ाने के लिए मैंने बेहद सेवा के लिए वो गई है। तो ऐसे कहते हैं मरण तो सबका होता है, लेकिन जो विशेष कार्य करते हैं उसका मरण मरण नहीं होता है, वो स्मरण होता है। तो आज हमारी स्नेही आदरणीय दीदी जी जो हम सब के दिल की धड़कन थी और रहेगी, ऐसे विशेष महान आत्मा को मैं स्वयं की तरफ से और सभी भाई बहनों की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। तन से दूर चली लेकिन मन से दूर न जाएंगी, और आप हमको बहुत याद आएंगी, आपकी पालना और आप हमको बहुत याद आएंगी। 4 दशकों से भी अधिक समय का सफर जिसके साथ दिन रात गुजारा, अंग संग रहे, सखी रहे, साया रहे, आदरणीय गिरजा दीदी जी हम उनसे भी उन
कुछ उनके दिल के उद्गार सुनना चाहते हैं आदरणीय गिरजा दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय हमारे दादी जी और दीदी जी, उन्होंने कैसे हमें छोटे से ही अपने पालना में पाला है, सब तरह से सिखाया। कुछ भी गलती होती थी तो दीदी जी हमारी गलती को किसी को नहीं, तो तुरंत पीछे से आ जाती थी कि क्या कर रही हूँ। तो हमने कहा दीदी जी ये चीज बना रहे हैं तो कहीं ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी। दीदी आपको बाबा भेज देते हैं, ये चीज कल बिगड़ जाती है। अभी एक सेकंड ये चीज हमारे दिमाग में नहीं थी, हम इसको ऐसे बना रहे थे और बाबा ने आपको भेज दिया तो फिर वो चीज समझ गई। तो अभी भी वो हमको ऐसा महसूस नहीं होने दे रही है कि हम नहीं, ऐसा लगता है कि वो अभी हैं, महसूस नहीं होने दे रही है कि हम नहीं। तो दिल से नहीं निकलता है कि हम दीदी जी को विदाई कैसे, विदाई वाली बात आती है तो एकदम अंदर से लगता है कि जब साथ हैं तो विदाई किसको दे। दादी जी और दीदी जी दादी की गोद में हैं, हमारे अंग संग दादी हैं दीदी हैं और कह रही हैं कि तुम्हारे साथ सब है, हम सब हैं। इसलिए हमको किसी तरह की वो चिंता संकल्प चलने नहीं देते, जैसे कि और संभाले हुए हैं हम नहीं। तो लगता ही है आज हम सबके बीच में अपने को देख रहे हैं कि जैसा वो हमको कहती हैं आज वैसा ही हम अपने को सबके बीच में देख रहे हैं। ये सब हमारे हैं, हम सबके हैं। तो हमारे दिल से हमारे मुख से नहीं निकल पा रहा है कि हम दीदी जी को संदाने भी दे। नहीं मिली है आप छोड़ के कहां जाओगी, आप तो हमारे बीच हो संग साथ निभाओगी, संग साथ निभाओगी। दिलों के उद्धार, दिलों की भावनाएं व्यक्त करने के लिए कल्याणपुर से प्रकाश भाई जी भी कुछ दो अक्षर दीदी जी के लिए कहना चाहते हैं। प्रकाश भाई जी सब
तपस्वी दीदियाँ बाबा सुंदर आदमीदार दीदी जी के लिए उनकी विशेषताओं को बहुत सुंदर लगती है। मुझे भी लगा मैं 22 साल से आदरणीय दीदी जी के साथ हम सभी को रहकर उनकी मार्गदर्शन में बहुत सुंदर सेवा करने का मौका मिला। वैसे तब सभी जानते हैं आदरणीय दीदी जी इतने सुंदर उनके लिए जो आगे बढ़ाने वाले जो मदद करने का भावनाएं और सम्मान की भावनाएं, मैं एक दो बात शेयर करना चाहूँगा जो मुझे हमेशा दिल को छोड़ने वाले जिसका मुझे हार्ट अच्छी बात थी। दीदी का अपना कोई समय खुद भी नहीं था। मैंने 22 साल में जब भी दीदी से मिलना चाहा, किसी भी समय मिलना चाहा, उन्होंने कभी मना नहीं किया। क्योंकि अगर किसी को मिलाना भी हो, एक व्यवस्थित बड़ों का समय भी होता है, लेकिन दीदी कभी मना नहीं होता। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा आयुर्वेद आचार्य थी। अभी तक मैं जो भी तबीयत खराब होता था मैं उनसे पूछता था कि दीदी मेरे कोई ना कोई आयुर्वेदिक जो टिप्स होती थी और सुंदर बताती थी। तो वो इतनी साफ दिल की थी, इतनी साफ दिल की थी, शायद इस संसार में बहुत से मेरे होते होंगे। जब भी कोई हमारा छोटी सी भी गलती हो, अगर हम लोग हजारों लोगों के बीच में हो, तुरंत इस बात को समझा देती थी ये सही है या ये गलत है। तो जब हम लोग कल्याणपुर में सेवाएं शुरू की तो मैं कई बार दीदी को दूर दूर गाँव में ले जाना चाहता था, लेकिन कभी दीदी ने एक ही बार उनके मुख से ये नहीं निकला अभी दूर बहुत है या वहाँ पर उस गाँव में रास्ता ठीक नहीं है, फिर वहाँ कहीं पैदल जाना है, कहीं नाव पार के जाना है। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के हम लोगों को ना ही पहली नहीं है। तो मैं जब दीदी जाने के बाद एक कानपुर में शहर पूरे इनकी ऐसा लगा थोड़ा सन्नाटा छा गया है कि लेकिन वो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हर कल्प में आदरणीय दीदी जी की छत्र छाया में बहुत सुंदर मौका मिला। तो बहुत सी चीज़ें बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनकी पालना का जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी था, जो उनके अंदर एक बाबा की बच्चों के प्रति दिल से जो भावनाएं थी। शुरू शुरू में जब हम लोग दिल्ली जाते थे या हम लोग माउंट आबू जाते थे, बड़ा हमें व्यक्तिगत रूप में ध्यान रखती थी। एक बार हमें याद आई, कई बार ट्रेन में जाना होता तो दीदी ये प्रकाश में इतना लंबा चौड़ा है, ऊपर कैसा चढ़ेगा? तो अशोक भाई साहब को कहती थी आप इनको बिस्तर बिछा के दे दो, और खुद वो बेडशीट और भाई साहब मेरे को बिछा के देते थे। मैंने कहा ऐसा मतलब महान हस्तियाँ जिनकी दिल में इतनी, जहाँ भी हम लोग सेवा में गाड़ी से जाते थे पहले यही सोचते थे इनके बैठने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। तो इतना महीन महीन चीज़ें वो ध्यान रखती थी। तो मुझे जब दीदी जैसे ही गई तो बहुत बहुत मैंने मिस किया, मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ हम लोगों के बीच में, क्योंकि लोग तो कहते हैं कोई जाने के बाद कुछ रुकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनसे संबंधित सारी बातें रुक जाती हैं और ड्रामा में उसी तरह होता जाता है। तो मैं इस समय ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं ज़रूर अशोक भाई साहब को तहे दिल से आप सबके प्रति धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दिसंबर से, देखिए दिसंबर से कितना महीना होगा, अभी तक एक दिन भी वो सोए नहीं है, आप समझ लीजिए। मतलब इतनी दीदी की सेवाओं में समर्पित भाव से हम लोग बहुत निश्चिंत रहते थे, क्योंकि दिन रात वहाँ रहना और उनको सोने को समय नहीं मिलना। तो मुझे भी लगा इतना सेवा किया था भाई साहब ने, थोड़ा दिन और दीदी को रहना चाहिए था, दीदी का बहुत दिल थी। लेकिन जैसे हमारे कमला बहन जी ने बताया जन्म का नहीं है, तो मैं विशेष आप सबकी तरफ से आदरणीय अशोक भाई साहब को पूरा ब्राह्मीण परिवार की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत भावना से, प्यार से, श्रद्धा से उन्होंने आवाहन हो चुका है मन से
अनुरोध करती हूँ आदरणीय अशोक भाई जी से, जिन्होंने अंतिम श्वास तक आदरणीय दीदी जी की बहुत 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 सेवा की है। आदरणीय अशोक भाई जी, ओम शांति। शायद ये मेरा पहला मौका होगा इतनी बड़ी सभा में मंच से बोलने का, ना मुझे बोलना आता है ना मुझे बोलना आता है और ना कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना किया है, लेकिन आज मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। ये बात सही है कि 29 दिसंबर को जब पहली बार मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसके बाद 31 अगस्त तक 9 महीने के समय में मेरे बड़े भाई ने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि लगभग 6.5 महीने उन्होंने अस्पताल में गुजारे हैं और लगभग 2.5 महीने सेंटर पे। ये भी सही है कि इन 9 महीने पूरे में मैं अपने घर नहीं गया हूँ, 9 महीने मैंने सेंटर पे या अस्पताल में ही बहन जी के पास गुजारे हैं। सेवा किए या नहीं किए वो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ अफसोस ना होते हुए भी बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि एक प्रॉमिस जो उनसे उन्होंने मेरे से किया था, जो मैंने उनसे किया, मेरा प्रॉमिस जैसे हमारे डॉक्टर विनय गुप्ता जिन्होंने बहुत ही दिल से लगन से, और जिसको कहा जाए कि एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने आज के इस समय में हम कह सकते हैं कि एक घर के सदस्य की तरह से उन्होंने बहन जी का ध्यान रखा, जैसा वो मुझे की स्थिति थी, जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट मनोज जी आते थे 3-4 महीने से वो कर रहे थे, जिस हो रही थी, मुझे पूरा विश्वास था कि 25 अगस्त को बड़ी दादी, जो आप सब जानते हैं कि कभी भी विद्या बहन ने मिस नहीं किया है जब से दादी अव्यक्त हुई हैं, और पूरी उम्मीद थी कि हम उनको लेके जाएंगे, बड़े भाई सब ने उनके लिए प्लेन का टिकट बाई रोड, हमारे एक विशेष भाई हैं उन्होंने अपनी गाड़ी में चालक के हमको बोला हुआ था, बाकायदा उसमें गद्दे लगा के व्यवस्था की हुई थी, और ट्रेन से डायरेक्ट ट्रेन से 3 व्यवस्थाएं की थी। मनोज जी जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट थे वो जिस तरह से इनका इलाज कर रहे थे, एक्सरसाइज करा रहे थे, और डॉक्टर साहब जो जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे थे, एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि हम जाएंगे, किसी भी साधन से पहुँच जाएंगे। और ये मैं आपको केवल एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, थोड़ा समय लूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा मन संचारिका से कि मुझे समय दें, क्योंकि बात चली है तो वो आप सबकी जानकारी में भी होनी चाहिए, कि हम लोग सोचते, ये कहने वाली बात है कि मानुष सोचता कुछ और है, लेकिन जो मंजूर होता है वही होता है, लेकिन जो मंजूर हो चुका है वो सामने वाले को एहसास हो गया, ये मैंने अपने महसूस किया है, जबकि मैंने बहुत बहुत इस तरह की सेवाएं की हैं। 8 अगस्त को शायद आप लोगों को अधिकांश जो कानपुर के उनको पता होगा कि 8 अगस्त 2022 को बहन जी का 81वां जन्म दिवस हम लोगों ने कानपुर में 7 तारीख इतवार को मनाया था, और जितने भी भाई बहन या टीचर बहनें उस प्रोग्राम में थी उन सब ने देखा होगा कि पूरे 2.25 घंटा बहन जी इतनी बीमारी की हालत में व्हीलचेयर पे बैठ के उन्होंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया, और मुझे नहीं पता है, अगर मैं चाहूँगा कि हमारे राजेश भाई बहन जी का वो 8 अगस्त 2022 का आज से यानी 1 महीने पहले का वो फोटो अगर स्क्रीन पे आप सबको दिखा सकें,
आप लोग खुद देखिएगा कि कहीं से आपको क्या लग रहा है कि ये विद्या बहन बीमार हैं, नहीं लगेगा। वो विद्या बहन उस 8 अगस्त को सबसे मिल के सबको सौगात और सबके साथ भोजन केक काट के उन्होंने मुझे 9 तारीख को आबू भेजा कि अशोक, जो उनका एक सिस्टम था कि हर त्यौहार पे वो मुझे आबू जाती थी और जो भी यज्ञ सेवा होती थी करती थी उन्होंने मुझे भेजा। खास मैं एकाएक प्रोग्राम बना तो फ्लाइट से गया, आबू पहुंचा, मुन्नी दीदी से मिला। मेरी एक आदत थी जब मैं जाता था तो फ़ोन पे विद्या बहन से उनकी बात कराता था। बहन जी ने भी बहुत खुशी खुशी मुझे भेजा। मैंने उनका टेलीफोन पे सवेरे 6:30-7 बजे विद्या बहन से बात कराई। पहले मुन्नी दीदी ने पूछा 25 अगस्त को दारो, मैंने कहा बिल्कुल बहन जी, बहुत अच्छी स्थिति है बहन जी की और 25 अगस्त को वो सवेरे आपके कॉटेज में हाजिर होंगी और फिर बड़ी दादी के उसमें शामिल होंगी। मुझे आज भी वो शब्द याद है, मुन्नी दीदी ने कहा अशोक पहले से तुम यहाँ पे सूचना दे देना, वरदानी में कमरा हो जाएगा जिससे ज़्यादा ना हो, व्हील चेयर वगैरह सब व्यवस्था हो जाएगी, आराम से लाना, आराम से लेके जाना। 9 बजे के करीब पिछले 4-5 दिन से उनको रेस्ट नहीं हो पा रही थी, कई इलाज किए गए फायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने जो कई बहनों का वो आयुर्वेदाचार्य अब थी जानकार थी, सही बात है, ये मैंने खुद उदाहरण देखा है। हमारी सब पुरानी बहनें जानती हैं कि बहन जी पालक इनको सूट नहीं करता है, 36 कांड रहा है। उन्होंने मेरे इसका अशोक मेरे को पालक की सब्जी बना के खिलवाओ। मैंने कहा बहन जी पालक की सब्जी आप तो उसकी महक भी सुनी सुन ले तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती, खैर नहीं मुझे पालक खिलाओ। पालक मंगाई गई, उनको खिलाई गई है सवेरे, और रात को 9:30 बजे जब उन्होंने थोड़ा सा भोजन किया तो 1 घंटे बाद मुझसे कहती हैं अशोक बहन को बुलाओ मुझे फ्रेश होना है। डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब ने कितनी ट्रीटमेंट्स बताए कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन खुद उन्होंने अपना सब्जी ऐसी अविश्वसनीय तरीके से 11 बजे उनको एकदम फ्रेश हुई हैं। फिर उन्होंने रोज़ कर स्पंज अच्छे से कराया, नए कपड़े पहने, और जब से बीमार हुई थी तो डॉक्टर साहब ने उनको शुगर फ्री से बने ही मीठा खाने को बोला था। 25 अगस्त को जो मैं गया था बड़ी दादी को उसमें, वहाँ से मेरी बहन ने दादी के थाली के उसमें से मीठा दिया था थाली का। बहन जी ने कहा अशोक मुन्नी दीदी ने थाली का भोग वो लेके आओ। मैंने वो रखा तो उन्होंने अपनी पसंद से, मुझे नहीं पता किस चीज़ की बर्फी थी, थाली की वो उन्होंने खाई। उनको खजूर में काजू डाल के बहुत पसंद था, तो शायद 8 महीने बाद उन्होंने पहली बार मेरे इसका अशोक उन्होंने 2 पीस वो खाए। इतने में उस दिन गिरजा बहन बाहर से आई थी तो वो एक कहीं से गाय का ताज़ा दूध उनको मिला था तो पेड़ा बना के लाई थी, उन्होंने वो भी 1 पीस खाया और बहुत ही निश्चिंत होकर सोई हैं। जिस तरीके का उनका एटीट्यूड था, मैंने गिरजा बहन और सब बहनों से कहा कि लगता है कल 1 सितंबर का दिन हमारा शायद बहुत दिन बाद बहुत ही सामान्य गुजरेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो सामान्य दिन नहीं होगा, असामान्य होगा। 2:40 पे 1 तारीख को सवेरे उन्होंने मुझे कहा अशोक बहन को बुलाओ, बहन आई, बाथरूम गए, लगभग 5-7 मिनट बाद उन्होंने कहा अशोक टाइम क्या हुआ है, तो मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा बहन जी अभी 2:40 हुआ है, आप सो जाइए। कहीं 1 घंटे बाद पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि आज इन्होंने 3-4 पीस मीठा खाया है, तो मैं शुगर चेक कर लूँ क्योंकि बहुत दिन बाद इतना मीठा खाया है। तो मैं उठा, बहन जी 3:30 बजे रोजाना उठ जाती थी, उस समय 3:40 हुआ था। मैंने कहा बहन जी उठिए मेरे को शुगर चेक करना है, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शुगर की स्ट्रिप वगैरह लेके उनके पलंग के पास आया,
बहन जी उठिए शुगर चेक करना है, कोई जवाब नहीं। तो मुझे डाउट हुआ, थोड़ा हॉस्पिटल में रहते हुए कृत्रिम सांस देना सीख गया था, तुरंत पलंग पे जाके उनको मैंने प्रयास किया कृत्रिम सांस देने का, लेकिन एकदम शरीर ठंडा था, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। डॉक्टर को बुलाया, उसने कहा कि शी इज नो मोर। मैं यही सोचने लगा कि बहन जी गई, बस तसल्ली मुझे ये है कि बहुत अच्छे बिना दर्द के गई हैं। अफसोस ये है कि एक समय इलाज किया जाएगा, कैसा उनका अनुभव रहा जब वो मां के बारे में सुनना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, ओम शांति। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अंतिम समय में बहन जी के इलाज के साथ उनके संपर्क में आया था। हेलो, परम पूजनीय पदम आरणीय विद्या बहन जी, वो आज श्रद्धांजलि के लिए हम उनको हृदयांजलि अर्पित अपने जीटी परिवार की तरफ से अर्पित करते हैं। पिछले 4 महीने में हमारा उनसे संपर्क हुआ, वो हमारे यहाँ बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में आई थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना महान था, निर्भीक था, सत्यवादी था कि उनकी तकलीफ होते हुए भी जब हम उनसे कोई बात पूछते थे तो स्पष्ट शब्दों में वो उसका उत्तर देती थी। इनिशियली वो काफ़ी तकलीफ में थी, उनको हरी ग्रीन वेजिटेबल्स और विटामिन सी से बहुत एलर्जी थी, तो हम लोग को इनिशियली इलाज करने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने ही हम लोगों को रास्ता बताया, गाइड किया कि आप इस चीज़ को ना दीजिए तो हमारी तकलीफ और अच्छे से आप निराकार कर पाएंगे। हम लोगों ने उनको एक मौका आया कि जब उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, वो काफ़ी सीरियस थी, तो जब वो थोड़ी ठीक हो गई तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब ही नहीं थी, आप लोग परेशान थे। तो उनका एक निर्भीक और एक बहुत ही सहनशील व्यक्तित्व था, हम लोग नहीं भूल सकते। इतने खराब कंडीशन के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर्स डे में हम लोगों को गिफ्ट दिए, मैं उनका प्रमाण एक रिंग पहने हुआ हूँ। तो उनका बहुत ही सहनशील, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, और हमारे स्टाफ की को भी वो इतना फ्रेंडली रखती थी कि एक उनका एक ऑरा ही डिफरेंट था, सब पूरा स्टाफ उनकी तरफ रहता था। इन चंद शब्दों के साथ ही हम अपने को समझ करते हैं। ओम शांति।